नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, इस देश के अंदर रहने वाला हिंदू समुदाय कितना कमजोर और कितना संवेदनहीन है, आप लोग इसका अंदाजा इस बात से अच्छे से लगा सकते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के ऊपर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया था। उन जाहिलों ने ये तक नहीं सोचा कि बस के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बस के ऊपर अंधाधुन गोलियां चला दी और बस जा करके सीधा खाई में गिर गई, जिसके कारण ना जाने कितने ही लोग मारे गए। लेकिन भारत में रहने वाले हिंदुओं ने इसका विरोध तक नहीं किया, जबकि अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा कि बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियों ने ऑल आइज ऑन राफा के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी और साथ ही साथ उसका समर्थन किया। लेकिन किसी भी बॉलीवुड के बड़े एक्टर या फिर एक्ट्रेस ने वैष्णो देवी हमले की निंदा नहीं की और ना ही उसकी आलोचना की। दोस्तों, इस देश में रहने वाला हिंदू इतना संवेदनहीन हो चुका है कि उसे अपने ही ऊपर किए गए वार नहीं दिखते। दोस्तों, वैष्णो देवी हमले में जो लोग मारे गए हैं वो हिंदू है। आप लोग चाहें तो उनकी जाति ढूंढ करके उन्हें जाति सूचक शब्दों के द्वारा उनकी पहचान कर सकते हैं। जब आप लोग वोट डालने जाते हैं तब आप लोग जातियों में वट करके अपना वोट कास्ट करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, जो आपको मारने की फिराक में बैठे हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ आप एक हिंदू हैं। आज जो वैष्णो देवी में मारे गए हैं, चाहे वो किसी ही जाति के क्यों ना हो, लेकिन एक्चुअली में वो हिंदू है और हिंदू होने के कारण ही उनके ऊपर अटैक हुआ है। चाहे वो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हो या फिर हमारे राजनेता, जो कि हमसे जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि इस देश में हिंदू कोई है ही नहीं। इस देश के अंदर अगर कोई है तो वो है SC ST OBC और जनरल। लेकिन ध्यान रखना, वैष्णो देवी हमले में जो लोग मारे गए हैं वो सभी अलग अलग जातियों से हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो अब अपनी जाति के लिए न्याय मांग करके देखो, लेकिन आप लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी आत्मा पूरी तरह से मर गई है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नौकरी और आरक्षण चाहिए, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की चीजें चाहिए। और ध्यान रखना, यही कारण है कि आप लोग अपने देश में ही अपने धार्मिक यात्राओं पर खुल करके नहीं जा सकते। आप लोगों को वहां पर जाने से भी डर लगता है और इसका एक ही कारण है कि आप लोगों के अंदर एकता नहीं है। 80% हिंदू आबादी वाला ये देश वैष्णो देवी पर हुए हमले को पूरी तरह से चुप और खामोश करके सह गया। अगर आप अपने आप में जागृत होते और आपकी आत्मा जिंदा होती, तब आप लोगों ने पूरे देश में इसका विरोध किया होता और लोगों को ये चीज़ बता दी होती कि अगर उनके ऊपर अटैक होगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे, चाहे वो किसी ही जाति से क्यों ना हो, क्योंकि हिंदू एक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एकता बनी रहे और आप अपने देश में धार्मिक यात्राओं पर सुरक्षित होकर के जा सके, तब आप लोगों को अपने संगठन के साथ मजबूत होकर के खड़ा होना पड़ेगा और इस बात को कहना पड़ेगा कि जातियां बाद में है, पहले धर्म है।